हेलो स्टूडेंट्स, तो मुद्रा और बैंकिंग से आपने वस्तु विनिमय को समझ लिया कल के, क्योंकि कल के क्लास में वही बताया था। आज मैं बता रहा हूँ मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य कौन कौन से। देखिए, मुद्रा की जब भी बात करते हैं हमारे मन में संयोग सही आता है, मुद्रा है क्या। मुद्रा मतलब मनी, सबको पता है पैसा जिसका हम प्रयोग करते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिए सिंपल सी एक लाइन में अगर मैं बताऊं आपको, मुद्रा वह वस्तु है जिसके माध्यम से लोग सर्वमान्य रूप से क्रय विक्रय करते हैं और वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। वही मुद्रा है जिसका प्रयोग इन दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। मुद्रा की अगर बात करते हैं, जैसा कि मैं कल बता रहा था, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके आविष्कार के बारे में आपको कहीं नहीं लिखा होगा कि कैसे हुआ, किसने किया, नहीं। मुद्रा के अगर हम उत्पत्ति या उद्भव या विकास के बारे में बात करें तो उसको दो पॉइंट से, एक है आकस्मिक और एक है विकासवादी। अगर हम मुद्रा का आकस्मिक सिद्धांत की बात करते हैं, मतलब जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती चली गई तो लोगों के सामने जो है उस समय की कठिनाइयां आती चली गई, विनिमय से रिलेटेड कठिनाइयां आने की, लोग लेन देन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती। अब इन प्रॉब्लम को दूर करते करते जो है ऐसे ही संयोग की नॉर्मल तरीके से मुद्रा का विकास हो गया। दूसरा है मुद्रा का विकास सिद्धांत। मुद्रा के विकास सिद्धांत के अंतर्गत पुराने समय में वस्तु विनिमय का चलन चलता था, वस्तु विनिमय की बहुत सारी कठिनाइयां थी और उन एक एक कठिनाइयों को धीरे धीरे दूर करते चले गए और मुद्रा का एक क्रमबद्ध तरीके से विकास होता चला गया। वो विकास किस तरफ से हुआ? विकास हुआ पहले वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय की अगर मुद्रा के विकास की बात करते हैं, मुद्रा का विकास, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मनी बोलते हैं, तो सबसे पहले कौन सी मुद्रा थी? वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा का मतलब होता है यहां पर उस समय वस्तुओं का वस्तुओं के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज होता था। वस्तु मुद्रा के रूप में कई प्रकार की मुद्रा का प्रयोग किया गया, जैसे यहां पर पशु मुद्रा का भी प्रयोग होता था, ठीक है ना, जैसे यहां पर पत्थरों का भी प्रयोग होता था, कीमती पत्थर वगैरह जैसे। इसके अलावा समुद्र रत्न के का प्रयोग होता था, समुद्र के रत्नों का भी प्रयोग होता था उस समय। धीरे धीरे क्या हुआ, एक वस्तु का निर्धारण किया गया, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, क्रय विक्रय करेंगे, लेकिन उसमें भी कठिनाइयां होती थी। फिर अचानक क्या हुआ कि मेटल्स यानी कि धातुओं का आविष्कार हुआ, तो धातुओं का जैसे ही आविष्कार हुआ, मुद्रा का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ वो धातु मुद्रा के रूप में हुआ, यानी कि धातुओं के आविष्कार के बाद हुआ। धातुओं के आविष्कार की बात करते हैं तो उस समय धातुओं का जो आविष्कार हुआ, जैसे लोहे का हुआ, ठीक है ना, जैसे तांबे का हुआ, फिर सोने का आविष्कार हुआ, ठीक है ना, फिर चांदी का आविष्कार हुआ, जैसे धातुओं का आविष्कार होते चले गए उसी तरह मुद्रा का विकास भी होता चला गया। और मुद्रा के विकास में सबसे ज्यादा जिसने योगदान दिया वो है स्वर्ण मुद्रा ने, क्योंकि राजा महाराजा उस टाइम सोने की बहुत कीमत हुआ, सोना एक ऐसा था जिसके मूल्य भी निर्धारित था, लोग उसको एक्सेप्ट भी करते थे। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन सबसे ज्यादा हुआ, अलग अलग राजा महाराजाओं ने अलग अलग देशों में स्वर्ण की मुद्राओं का जो है चलन किया और उससे ही मुद्रा का एक वास्तविक अस्तित्व सामने आया। फिर क्या हुआ कि स्वर्ण बन गया, उसके बाद तांबे का, फिर लोहे का, आज के समय से तो मिश्र धातु का प्रयोग होता है, मिक्स होता है, जो एक धातु नहीं कई सारी धातुओं से मिलकर बनी होती है। अगर उसके बात करें धातु मुद्रा की बात, फिर पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा का विकास कैसे हुआ, जैसे ही हमारे इसमें विश्व में कागज का आविष्कार हुआ चीन जैसे देशों में, वैसे कागज एक ऐसी सबसे ज्यादा जो है प्रयोग होने वाली वस्तु थी और कागज हल्का भी हुआ करता था, उसका जो है मुद्रा के रूप में जो है परिवर्तन भी संभव हो, जल्दी हो जाता, आसानी होता था, तो ऐसे में पत्र मुद्रा का प्रचलन ज्यादा हुआ। इसको रखने में भी आसानी, क्योंकि धातु मुद्रा सोना रखेंगे एक साथ बहुत ज्यादा तो बड़ा भारी हो जाता था, पत्र मुद्रा में एक नंबर लिख देना बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती, पत्र मुद्रा का विकास हुआ बहुत जल्दी। पत्र मुद्रा के बाद फिर धीरे धीरे पत्र मुद्रा के रूप में फिर प्लास्टिक मुद्रा का विकास हुआ। प्लास्टिक मुद्रा में जैसे एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, उसके बाद आज के टाइम में हम देखते हैं शाख मुद्रा। शाख मुद्रा में कई प्रकार की मुद्रा होती है, जैसे आज के टाइम चलते फोन पे, गूगल पे, ये पे, वो पे, चेक वगैरह तमाम चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो मुद्रा का धीरे धीरे क्या होता चला गया, विकास होता चला। अब हम मुद्रा की अगर सही डेफिनेशन की बात करते हैं, मुद्रा, चलो ठीक है समझ में आ गया विकास हुआ है क्या,
इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर मुद्रा की डेफिनेशन की बात करते हैं तो जी समझिए, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान, मूल्य के संचय को साधन के रूप में स्वतंत्र एवं समान रूप से स्वीकार किया जाता। मतलब एक ऐसी वस्तु जिसको हर कोई, आम जनता सामान्य रूप से स्वीकार करती है, कानून की तरफ से मान्यता प्राप्त होती है, किसके लिए, चलन मुद्रा के रूप में, ताकि लोग उसका आसानी से जो है बिना किसी रुकावट के साथ विनिमय के रूप में प्रयोग कर सके, वह वस्तु क्या है, मुद्रा है। मेरे ख्याल से मुद्रा में आप कंफ्यूजन है। अब मुद्रा के बारे में आप देखेंगे, किताब खोलेंगे तो आपको जितने अर्थशास्त्री मिलेंगे उससे भी ज्यादा उनकी डेफिनेशंस मिलेंगी। जैसे एक अर्थशास्त्री महोदय थे, मैं आपको बता दूं, बुक में लिखा हुआ है, हार्टले विदर्स का नाम सुनेंगे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्या परिभाषा है भैया, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब हमें इसके लिए मुद्रा के कार्य, जैसे कि मैंने मुद्रा के कार्य ये है, विनिमय के माध्यम में क्या करना, मूल्य का मापक करना, ऋणों का भुगतान, मुद्रा के कार्य, जो वस्तु इन सब का कार्य करे वही मुद्रा है। एक और महोदय थे कॉलबॉन ने, उन्होंने कहा मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान के साधन के रूप में कार्य करता है। सही बात है, जिसने भी मुद्रा के बारे में जो कहा वो सब सही है। उसके बाद प्रोफेसर कोल ने कहा था, एक बहुत सटीक परिभाषा उन्होंने दिया था, कि मुद्रा केवल क्रय शक्ति है अथवा ऐसी वस्तु है जिससे दूसरी वस्तुएं खरीदी व बेची जा सकती है। उसी वस्तु को हम क्या, मुद्रा एक माध्यम है, एक ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना है वो है मुद्रा के कार्य। अगर हम मुद्रा के कार्यों की बात करते हैं कि मुद्रा का प्रयोग कैसे होता है, मुद्रा के कार्यों के लिए हम किस प्रकार से उसको वर्गों में बांट सकते हैं, ये चीज हमें पढ़ना। कार्य का मतलब होता है फंक्शन, दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी। अगर मुद्रा के कार्यों की बात करते हैं, इसको बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, वैसे अब चार कैटेगरी बांटते हैं अलग अलग, लेकिन तीन मेन कैटेगरी है जिसको मुद्रा में वर्गीकृत किया सकता है, ठीक है, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तीन कैटेगरी कौन सा, सबसे पहले जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य या फिर मुख्य कार्य, दैट इज मेन फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। दूसरा उसको बोलते हैं द्वितीयक कार्य, द्वितीयक कार्य या फिर इसको क्या कहते हैं, गौण कार्य भी कहते हैं, गौण कार्य। और तीसरा है आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्य या फिर इसको अन्य कार्य के नाम से भी जाना जाता, अदर फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। अब इनके बारे में हमें जानना ये है क्या, अगर इसकी अगर बात करते हैं तो ये कौन कौन से कार्य होते हैं। तो नंबर वन, जब भी मुद्रा के मुख्य, क्योंकि एक नंबर भी पूछा जाता है मुद्रा के मुख्य या मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को बताइए, जब भी हम मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की बात करते हैं ना बेटा, देर में मुद्रा के दो ही प्राथमिक कार्य कौन कौन से, नंबर एक, विनिमय का माध्यम, और नंबर टू होता है मूल्य का मापक। दो इसके कार्य है। मुद्रा के जब द्वितीयक कार्यों की बात करते हैं, मुद्रा के द्वितीयक कार्यों में केवल तीन ही कार्य है, ठीक है ना, तीन द्वितीयक कार्य। नंबर एक इसको बोलते हैं स्थगित भुगतान का माध्यम, नंबर टू मूल्य का संचय, और नंबर थ्री मूल्य का हस्तांतरण। तीन प्रमुख कार्य हैं। और मुद्रा के अगर आकस्मिक कार्य करें तो इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। बेसिकली मैं आपको दो या तीन कार्यों के बारे में बात बताता हूं इसमें। नंबर एक, मुद्रा का आकस्मिक कार्य में सामाजिक आय का वितरण, नंबर टू, पहला कार्य समाज में लोगों की आय को क्या करना, वितरण करना, नंबर थ्री साख को आधार प्रदान करना, साख का आधार बनना, और नंबर थ्री की अगर बात करते हैं तो अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना, अधिकतम संतुष्टि, और नंबर एक सॉरी पूंजी उत्पादकता में वृद्धि।
ठीक है ना, ये प्रमुखता चार इसके आकस्मिक कार्यों की बात करेंगे। अब ये कार्य है क्या, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य क्या होते हैं, विनिमय का माध्यम। वस्तु विनिमय में एक परेशानी थी, सबसे पहले दोहरे संयोग का अभाव, मतलब दो लोगों का ऐसा मिलना जहां पर एक दूसरे की आवश्यकता दोनों मिलती हो और एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, ठीक है, ऐसा बहुत। अब इस चीज को मुद्रा ने, क्योंकि मुद्रा के लिए दोहरे संयोग की आवश्यकता ही नहीं है, मुद्रा के लिए बस आपके पास पैसे होने चाहिए और जहां पर वो सामान अवेलेबल है उस बंदे के पास जाओ, पैसा दो, सामान ले लो, खत्म बात। यानी कि मुद्रा ने वस्तु विनिमय यानी कि लेन देन को, यानी कि क्रय विक्रय को आसान कर दिया है। अब हमारे जेब में लेन देन करने के लिए बस एक ही चीज होना चाहिए, दैट इज मनी। पैसा है तो सब कुछ है। एक छोटी सी कहावत है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात हो गई है, मुद्रा ने ही पॉसिबल किया है। नंबर टू, मूल्य का मापक। आज के डेट में, पुराने समय की बात करते हैं, वस्तुओं का वस्तु के साथ लेन देन, कपड़े के बदले में कितना धान देना है, कपड़े के बदले में कितना गेहूं देना है, घड़े के बदले में कितना अनाज आना है, नहीं पता था, मूल्य तय नहीं था। लेकिन मुद्रा ने आज के डेट में हर एक चीज की कीमत तय कर दी है, ये मार्कर है। इवन आज के डेट में इंसानों की कीमत भी तय है, किडनी 1.5 लाख रुपए, आंखें 2 लाख रुपए, ठीक है ना, हर एक चीज की कीमत तय है। तो मुद्रा है तभी तो हुआ है। आज आप किसी भी चीज को कीमत से तोल सकते हैं, कहते नहीं कहावत, आप इंसान की नीयत भी कीमत से तोलते हैं, तो सही बात है, कीमत है तभी तोला जाता है। इंसान बिक जाते हैं, अपनी जमीर बेच देते हैं, किससे, मुद्रा से, पैसों के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये दो कार्य हो गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं दोनों कार्यों से बाकी तीन कार्यों का जन्म हुआ। बाकी तीन कार्य कौन कौन से, सबसे पहले स्थगित भुगतान के माध्यम के रूप में, मान लीजिए आपके पास आज पैसे नहीं है, आप सैलरी बेच रहे, आपकी सैलरी हर महीने के 1 या 2 तारीख को आती है, आज का डेट क्या है, आज है हमारे पास 26 डेट, और 26 डेट को आपके पास पैसे नहीं बचे, लेकिन आपको अनाज खरीदना है। कैसे खरीदेंगे, किराना स्टोर में गए कि भाई मुझे अनाज दे दो, मेरे खाते में लिख लो, जैसी सैलरी हमारे पास 2 को आएगी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, वो आपको अनाज देता है, घर आते खा पीते हैं, खत्म, पैसा आ गया, 2 तारीख को हमने पेमेंट कर दिया। स्थगित भुगतान का माध्यम मुद्रा ने ही शुरू किया है, क्योंकि वस्तु विनिमय तो था ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है ना। दूसरा है मूल्य का संचय। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी आय का कुछ भाग क्या करे, बचा कर रखे फ्यूचर के लिए। भविष्य में क्या होगा, क्या पता, क्या सकता है, कोरोना की तरह दूसरा लॉकडाउन लग जाए, अगर पैसे नहीं होंगे तो खाएंगे क्या, फिर तो भीख मांगने जैसे बात होगी। कोई दान कर रहा है फिर भागे भागे, अरे वो देखो चावल दान कर रहा है, हम भाग के जाएंगे वो लेने। अगर पैसा पास में बचा हुआ है तो आपको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भविष्य की आकस्मिक घटनाओं से बचने के लिए वर्तमान में धन का संचय करना आवश्यक है। कैसे करेंगे, मुद्रा से करेंगे। चाहे आप सोना बना के रखें, चाहे आप जमीनें खरीद के रखें, चाहे आप बैंक अकाउंट में रखें, इवन चाहे आप दो नोटों की गड्डी बना के अपने बोरे के अंदर भर के भूसे के ढेर के अंदर रख दें, लेकिन संचय करना जरूरी है। मुद्रा है तभी संचय, पुराने समय में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वस्तुओं को लंबे समय तक आप संचित करके यानी बचाकर नहीं रख सकते थे। तीसरा कार्य क्या है इसका, दैट इज मूल्य का हस्तांतरण। आज आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, आपका भाई आपकी बहन बाहर कहीं पढ़ रहे हैं, उनको पैसे की आवश्यकता है, मोबाइल से उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। आपको घर बेच के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो घर बेच दिया, पैसा आ गया, दूसरी जगह चला गया, जगह खरीदा, घर बनाया, रहने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा ने इन सभी दिक्कतों को क्या कर दिया, दूर किया है और इंसान की जिंदगी को आसान कर दिया है। उसके बाद करते हैं आकस्मिक कार्यों की बात। आकस्मिक मुद्रा ही आया जिसने सामाजिक आय के वितरण को बदल दिया, अमीर गरीब में बदल दिया, समाज को बांट दिया मुद्रा ने, क्योंकि पहले सब बराबर हुआ करते थे, क्योंकि पहले पैसा नहीं था, केवल एक्सचेंज होता था आवश्यकताओं का, वो भी, और किसी की आवश्यकता किसी से पड़ सकती थी, सब समान रूप से थे। लेकिन मुद्रा, जिसके पास ज्यादा मुद्रा जमा हो गई वो अमीर कहलाए, जिसके पास कम हो गई वो गरीब, जिसकी जिसका थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, इसका मतलब था समाज में आय को बांट दिया, ठीक है ना, किसने, मुद्रा ने। और अमीर गरीब तभी आया जब से मुद्रा आया है। नेक्स्ट है साख का आधार। मुद्रा के माध्यम से ही आज जो है उधारी बढ़ गई है। आज मोबाइल जाओ आधार कार्ड ले लाओ, मोबाइल ले जाओ वाली बात है, आधार कार्ड लाओ कार खरीद के लेके जाओ, आधार कार्ड लाओ मोटरसाइकिल खरीद के लेके जाओ, यानी कि उधार ने, उधार की जो खरीद बिक्री आज के चलन में बढ़ रही है, उधार की जिंदगी हम जो जी रहे हैं वो मुद्रा की ही देन है। मुद्रा ने ही आसान किया कि मुद्रा का मूल्य फिक्स होता है, आप भविष्य में मूल्य तो आपको जमा करना पड़ेगा, लेकिन सुविधाओं का आनंद हम आज ही ले लेते हैं।
अधिकतम संतुष्टि मुद्रा के माध्यम से उत्पादकता बढ़ी है। आप पहले दो घड़ों आप पहले जो है कुछ सामान का कपड़े की दुकान कपड़े की फैक्ट्री आपकी ठीक है ना, रॉ मटेरियल आता था, फिर आज के डेट में पैसा है, रॉ मटेरियल आ गया, अधिकतम संतुष्टि प्रदान किया है, और लास्ट में है पूंजी उत्पादकता में वृद्धि। मुद्रा के द्वारा मशीन खरीदना है, जगह खरीदना है, कच्चा माल खरीदना है, लेबर को देना है, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये सारा मुद्रा के कार्य, ठीक है। मुद्रा के कार्य जब हो जाता है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे साथ, मुद्रा को आखिर कितने वर्गों में बांटा गया है, मुद्रा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से है। जब हम मुद्रा के प्रकार की बात करते हैं तो मुद्रा को बेसिकली हम अगर बात करते हैं 2-3-4 कई प्रकार के बांटा गया, तो कौन कौन से प्रमुख वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो बेसिकली कई वर्गों में मुद्रा को बांटा जा सकता है, लेकिन यहां पर दो वर्गों की बात करते हैं जिसके आधार पर मुद्रा को बांटा गया। नंबर वन वैधानिकता या फिर सामान्य स्वीकृति के आधार पर, और दूसरा है भौतिकता के आधार पर, यानी कि फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग, मुद्रा के रूप के अकॉर्डिंग जो है कितने वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले जब हम बात करेंगे सामान्य स्वीकृति के आधार पर या फिर वैधानिकता के आधार पर, तो ऐसे में मुद्रा को दो वर्गों में बांटा गया, एक है विधिग्रह मुद्रा, दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्रह मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी, ठीक है ना, जिसको फिएट मनी भी हम बोल सकते हैं। ऐच्छिक मुद्रा यानी कि ऑप्शनल मनी, यानी कि फिडुसरी मनी। अब सबसे पहले अगर बात करें विधिग्रह मुद्रा क्या है, विधिग्रह मुद्रा मतलब ऐसी मुद्रा जो विधि के द्वारा, जिसको विधि के द्वारा क्या किया, अधिग्रहित किया गया है, क्या किया गया है, अधिग्रहित किया गया है, या फिर कानून के द्वारा इसको मान्यता प्रदान किया गया है एज ए लीगल, यानी कि चलन मुद्रा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है, कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है सरकार के द्वारा, जिसको सभी को स्वीकार करनी पड़ती है, ऐसी वस्तु को हम मुद्रा के रूप में जानते हैं। अगर हम इसकी मुद्रा की बाकी आगे की अगर बात करते हैं तो विधिग्रह मुद्रा के भी दो प्रमुख रूप है, इसको दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, इसके दो प्रमुख रूप में सबसे पहला है सीमित विधिग्रह, सीमित विधिग्रह, इसको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर, और दूसरा है असीमित विधिग्रह, असीमित विधिग्रह मुद्रा, दैट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक है। ये दो प्रकार, सबसे पहले हम बात करते हैं सीमित विधिग्रह। विधिग्रह मतलब कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन यहां पर सीमित वर्ड यूज किया गया है। सीमित विधिग्रह मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जहां पर कानून के द्वारा चलन मुद्रा के रूप में मान्यता तो प्रदान की गई है, लेकिन यहां पर इसको असीमित लीगल टेंडर नहीं किया गया है, सीमित कर दिया गया है, यानी कि इसकी चलन की संख्या, चलन संख्या सीमित कर दी गई है, ठीक ना। मतलब जितने भी सिक्के हैं, सिक्के कानून के द्वारा मान्य प्राप्त है, चलन सकता है आराम से, लेकिन सिक्के अनलिमिटेड मात्रा में आप एज ए लीगल टेंडर यूज नहीं कर सकते। जैसे आप किस कहीं पर कार खरीदने गए, 1 करोड़ रुपए के सिक्के भर के लेके गए, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर नहीं है कि आपने सारे सिक्के दे दो, एक्सेप्ट करेगा। हाँ, ये है अकॉर्डिंग टू लॉ 1000 रुपीज तक के सिक्के आप यूज कर सकते हैं लीगल टेंडर में, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। लेकिन उसके ऊपर अगर आप सिक्के का यूज कर रहे हैं, जैसे सुनने को मिलता है कोई बाइक खरीदने जा रहा है तो घट्टों में भर के सिक्के लेके जा रहा है, बैंक में लोग जमा करने जा रहे हैं सिक्के भर के लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए कोई भी कंपल्सरी नहीं है कि आप सिक्के सामने वाला एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसको जो है क्या बोलते हैं, सीमित विधिग्रह मुद्रा के नाम से जानते हैं, जहां पर लीगल टेंडर है लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड कर दी गई है। दूसरा है असीमित विधिग्रह, ऐसी मुद्रा जिसकी चलन की संख्या सीमित नहीं है, असीमित चलन है, जिसकी चलन संख्या असीमित मात्रा में हो सकती है, इसको जितनी भी चाहे उतनी मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जितने भी नोट होते हैं, चाहे आप नोट 10 रुपए का हो, चाहे वो 20 रुपए का हो, चाहे वो 200 का हो, या चाहे 500 रुपए का नोट हो। 2000 का नोट तो अब सितंबर के बाद चलन में रहेगा नहीं, लीगल टेंडर रहेगा नहीं, तो इसलिए मैंने उसको एग्जांपल नहीं दिया। तो ये सारे नोट आप जितना चाहे बैंक में खरीद बिक्री के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कोई आप 20 करोड़ के नोट दो किसी को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि असीमित विधिग्रह मुद्रा है। तो विधिग्रह मतलब कानून के अंतर्गत जिसको स्वीकार करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी
तरफ है ऐच्छिक मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो दो व्यक्तियों के आपसी सहमति पर निर्भर करता है, यानी कि दो लोगों के आपसी सहमति पर निर्भर किया हुआ मुद्रा, ठीक है। ऐसी मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। पॉज करो बेटा। तो ऐसी मुद्रा के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, जैसे कौन क्या आता है, जैसे चेक आता है, जैसे आज के टाइम में चल रहा है कौन सा, डिजिटल पेमेंट। अब डिजिटल पेमेंट का प्रयोग तो कर रहे हैं, सामने वाले के पास है ही नहीं क्यूआर कोड या बैंक वो एक्सेप्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये दो लोगों पर डिपेंड करता है कि देने वाला और लेने वाला इसके लिए एक्सेप्ट करता है। देने वाला दे रहा है तो सामने वाला लेने वाला लेना भी चाहिए, उस केस में इसको हम ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोनों के ऊपर कि किस तरह वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अब अगर हम भौतिकता के आधार पर जाए, रूप के आधार पर देखें, बनावट के आधार पर देखते हैं, तो मुद्रा को बेसिकली कितने रूप में बांटा गया है, जिसकी बात करते हैं। सबसे पहले भौतिकता के आधार पर मुद्रा को बांटा गया है धातु मुद्रा के रूप में। धातु मुद्रा ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण धातु से होगा, या फिर धातु से बनी हुई मुद्रा को, मेटल से बनी हुई मुद्रा को धातु मुद्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर धातु मुद्रा की बात करते हैं, ये मुद्रा के भी दो रूप है। नंबर एक, एक है प्रमाणिक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा यानी कि इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, ठीक है। प्रमाणिक मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जहां पर वस्तु के धातु का मूल्य और मुद्रा का मूल्य दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि उस सिक्कों को बनाने के लिए जितने कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया उसकी वैल्यू भी उतनी बराबर होती है। जैसे सोने के सिक्के, सोने के सिक्के की कीमत इसके वजन से, अगर मान लो ये सिक्का 5 ग्राम है, तो आज के डेट में 5 ग्राम सोने की कीमत कितनी है, मान लो 24,000 रुपये है, तो सिक्के की वैल्यू 24,000 रुपये होगी। यानी कि धातु मूल्य और मुद्रा मूल्य जब दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसी मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मुद्रा को हम प्रमाणिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। जैसे स्वर्ण सोने के सिक्के होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं, वो सब कुछ, ठीक है ना। इसका दूसरा जो रूप है उसको बोलते हैं हम क्या चीज, इसको बोलते हैं टोकन मनी। क्या बोलते हैं इसको, टोकन मनी। टोकन मनी या फिर इसको एक दूसरा नाम दिया गया है, ठीक है ना, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा, सिंबोलिक मनी। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है एक ऐसी मुद्रा जिसका जो धातु मूल्य कम होता है और मौद्रिक मूल्य यानी कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है, जादू होता है, ज्यादा होता है। जैसे आज के रुपये में जितने भी सिक्के होते हैं, प्रेजेंट सिक्के, चाहे वो सिक्के आपके 1 रुपए का सिक्का हो, 2 रुपए का सिक्का हो, या 5 रुपए का सिक्के हो, ये सारे सिक्के में जो धातु का इस्तेमाल किया गया ना, वास्तव में उसके ऊपर देखो जो मूल्य लिखा हुआ है उससे बहुत कम है। 1 रुपए में जो सिक्के हो, आप उसको गला के देखो, उसको मेल्ट करो, ठीक है ना, उससे कुछ नहीं मिलेगा, उसका धातु का प्रयोग ही नहीं कर सकते। यानी कि धात्विक मूल्य कम होता है और मौद्रिक रूप यहाँ पर मूल्य ज्यादा होता है। धातु मुद्रा के बाद सेकेंड जो है वो है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा मतलब ऐसी मुद्रा जो कागज से बनी होती है। जितने भी करेंसी नोट होता है आज के टाइम में, ये सारे करेंसी नोट आपके किस में आते हैं, कागजी मुद्रा के अंतर्गत आते हैं, पत्र मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। पत्र मुद्रा के बाद हम बात करते हैं तीसरा, जिसको हम बोलते हैं साख मुद्रा। साख मुद्रा या फिर इसको हम बैंक मुद्रा के नाम से जानते हैं, बैंक मुद्रा। साख मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके लिए बैंक में पैसे का होना क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक ना, बैंक में पैसे का होना आवश्यकता है। और इसी मुद्रा के अंतर्गत बाकी सभी की बात करते हैं, जैसे हम बात करें चेक की बात करते हैं, या फिर आज के टाइम में डिजिटल मनी की हम बात करते हैं, एटीएम की बात करें, क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, ये सब आपका साख मुद्रा के अंतर्गत आ गया है। एक नया मुद्रा का चरण अभी भारत सरकार ने शुरू किया है, जिसको बोलते हैं ई मनी, ठीक ना, फोर्थ वन, दैट इज ई मनी, ई करेंसी। यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ठीक है ना, मुद्रा का लेन देन होगा। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने मोबाइल में वो नोट्स वगैरह होने चाहिए जिसका आप लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये है मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार के बाद इसी क्लास में मुद्रा में एक और पॉइंट हमें जानना जरूरी है, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है
मुद्रा पूर्ति। अब मुद्रा पूर्ति क्या है उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा समझना है। मुद्रा पूर्ति के तहत भी समझना है कि मुद्रा पूर्ति किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है। तो मुद्रा पूर्ति की जब भी हम बात करते हैं, ये एक क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि एक निश्चित समय में एक अर्थव्यवस्था में लोगों के पास यानी कि देश में कितनी चलन मुद्राओं का स्टॉक रखा हुआ है उसे मुद्रा पूर्ति कहते हैं। कि आज के टाइम में हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा है, यानी कि मुद्रा की कितनी संख्या, कितने नोट चलन में है, कितने सिक्के चलन में है, उसकी कुल क्वांटिटी कितनी है, कुल मात्रा कितनी है, उसे हम मुद्रा पूर्ति के नाम से जानते हैं। नॉर्मली जब भी हम मुद्रा पूर्ति की बात करते हैं, मतलब एक निश्चित समय पर एक देश में प्रचलित मुद्रा की कुल मात्रा क्या है, मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। हम इसको यूं कह सकते हैं, मुद्रा की पूर्ति की एम इक्वल टू सी प्लस डी डी, ठीक है ना। यह मुद्रा पूर्ति को बताता है, जहां पर सी का मतलब होता है लोगों के पास चलन मुद्राएं, यानी कि लोगों का अपने घर में उनके जेब में कितना पैसा रखा गया है, और डीडी का मतलब होता है लोगों का वाणिज्यिक बैंक में, वाणिज्यिक बैंक में मांग मुद्रा या फिर मांग जमा है, लोगों का बैंक में कितना पैसा जमा रखा है, करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, उस दोनों के टोटल को हम क्या बोलते हैं, संकुचित अर्थ है। लेकिन विस्तृत अर्थ में जाने इसमें समय मुद्रा की भी जुड़ जाता है, इसमें पोस्ट ऑफिस में रखे हुए पैसे भी आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर मुद्रा की कुल संख्या निकालनी है, वास्तविक मुद्रा की मात्रा निकालनी है, तो इसके लिए आरबीआई ने एक उपाय किया है। आरबीआई ने क्या किया है, मुद्रा पूर्ति के माप बताया है कि मुद्रा को कैसे मापा जाता है, जिसको बोलते हैं मुद्रा पूर्ति के माप, किसके अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, आरबीआई के अनुसार। उन्होंने मुद्रा पूर्ति को चार वर्गों में बांटा है, कितने वर्गों में बांटा है, चार प्रमुख वर्गों में बांटा है, जिसमें पहला वन है एम वन मनी, दूसरा है एम टू मुद्रा पूर्ति, तीसरा है एम थ्री और चौथा है एम फोर। अब इनको थोड़ा विस्तार से समझें तो सबसे पहला मुद्रा पूर्ति है एम वन मुद्रा पूर्ति। तो एम वन के अंदर क्या आता है, एम वन की अगर बात करते हैं तो एम वन के अंदर यहां पर तीन चीज, एम वन बराबर सी प्लस डी डी प्लस ओडी। यहां पर सी का मतलब आपने समझ लिया, सी का मतलब होता है लोगों के पास, जनता के पास, लोगों के पास चलन मुद्रा कितनी है। डीडी का मतलब होता है लोगों का वाणिज्यिक बैंक में मांग जमा है, या फिर ओडी का मतलब होता है आरबीआई के पास अन्य जमाएं, अन्य जमा, आरबीआई के पास जो पैसा जमा होता है ये। तो इन तीनों का टोटल जो होता है एम वन के अंतर्गत आता है, और एम वन को संकीर्ण मुद्रा पूर्ति के नाम से जाना जाता है, सबसे छोटा होता है। एम वन के बाद जो दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एम टू, एम टू के अंतर्गत जो आता है एम वन प्लस एच डी, ठीक है ना। इसमें M1 के तीनों आते हैं, इसका मतलब यूं कहें यहां पर आ जाता है सी प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस एच डी, चार प्रकार की मुद्राओं को जोड़ा जाता है। बाकी तीन तो हमने पढ़ लिया है, पर एच डी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस में बचत जमा है। आज की डेट में क्या ना, लोग जो है पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा होता है उसको अगर टोटल कितनी जमा है उसको इंक्लूड कर लेंगे तो M2 बन जाएगा। M2 के बाद जो तीसरी कैटेगरी है M3, M3 में M1 प्लस FD दो चीजें आ जाती है, इसका मतलब यहां पर क्या क्या आता है C प्लस DD प्लस OD, चौथा होता है एफ डी। इसमें चार प्रकार की मुद्रा को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। जब चार प्रकार की जो मुद्रा को जोड़ते हैं तो ये पर एफ डी, एफ डी को हम टी डी भी बोल सकते हैं, टाइम ड्यूरेट, यानी कि इसको बोलते हैं समय जमा, या फिर फिक्स डिपॉजिट को बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं स्थिर जमा, ठीक है, फिक्स डिपोजिट, एफ डी बोलते हैं फिक्स जमा, स्थिर जमा होता है, लोग अपने अकाउंट में एक फिक्स समय के लिए एक बड़ा अमाउंट जमा करके रखते हैं भविष्य में, तो उसके अंदर इंक्लूड कर ली जाती है। इसके बाद होता है एम वन, सबसे बड़ा होता है, इसमें एम थ्री प्लस
पोस्ट ऑफिस में सभी प्रकार की जमाएं, केवल किसको छोड़ के, राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर, ठीक ना। अब क्या होता है M3 के अंदर पता है M3 में सब कुछ आ जाए, M3 में आता है C+DD+OD+FD+ पोस्ट ऑफिस में जितने भी पैसे जमे होते हैं इन सबको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये चार प्रकार की मुद्रा, चार कैटेगरी में, जहां पर सबसे छोटी मुद्रा पूर्ति कौन सी है, M1, और जो सबसे बड़ी है जिसको बोलते हैं विस्तृत मुद्रा पूर्ति वो है M4, ठीक है, समझ में आ गया। ये मुद्रा का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा कुछ और पॉइंट आपको जानना है, कुछ रह गया, छूट गया या कुछ और समझना है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।